भैंसा शहर के अवेसी नगर में एएसपी किरण कुमार खरे के जरिए मुहासरा और तलाशी और वैक्सीन की तलाशी की गई है। तफसीलात के मुताबिक बुध की सुबह निर्मल ज़िले के भैंसा कस्बे अवेसी नगर में एक खसूसी मुहासरा किया गया। टाउन पुलिस और महकमे सेहत के अहलकारों ने मुश्तरका तौर पर मुहासरे की तलाशी ली। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कोविड वैक्सीनेशन का अमल दिसंबर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है, लेकिन इन इलाकों में टीका लगाए जाएंगे जहाँ वैक्सीनेशन कम रजिस्टर्ड है। एएसपी ने कहा कि 65 दोपहिया और मल्टी व्हीलर गाड़ियाँ जब्त की गई क्योंकि इनके पास गाड़ियों के कागजात नहीं थे। हेल्थ सुपरवाइज़र कलीम ने कहा कि अवेसी नगर में जहाँ कोविड वैक्सीनेशन का अमल कम था, हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर उन लोगों को पहली खुराक दे रहे थे जिन्होंने पहली खुराक नहीं ली थी और दूसरी खुराक उन लोगों को दे रहे थे जिन्होंने पहली खुराक नहीं ली थी। तकरीबन 226 कोविड वैक्सीन के साथ पहली खुराक पहले ही मुकम्मल कर ली है। पुलिस और महकमे सेहत ने मुश्तरका तौर पर तलाशी की खसूसी कार्रवाई मुकम्मल की। इस खसूसी मुहिम में भैंसा टाउन के CI प्रवीण कुमार, SLO प्रदीप, पुलिस और सेहत के अहलकारों ने शिरकत की। आज भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन विजिट में एक स्पेशल कॉर्डिनल सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों एक साथ आके यहाँ पे ओवेसी नगर एरिया में एक स्पेशल ड्राइव, वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे कंडक्ट किया। इसके अंदर तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी डिसाइडेड है कि बाय दिसंबर एंड 100% वैक्सीनेशन पूरे तेलंगाना गवर्नमेंट में होना चाहिए। तो इसी के अंदर आज जो स्पेशल ड्राइव सुबह से यहाँ पे भैंसा टाउन में चल रहा है, इसके अंदर पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जिन लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया या जिनका सेकेंड डोज डिले हो रहा है, ऐसे सभी लोगों को मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई करते हुए वैक्सीनेशन किया। इसका मकसद एक ही है कि इसके आगे किसी भी तरह का भैंसा में कोई भी कोरोना केसेस यहाँ पे रजिस्टर ना हो, एक थर्ड वेव या ओमिक्रॉन के जो चांसेस है उसको हम मिनिमाइज करते हुए एक भैंसा को एक सिक्योर एंड सेफ प्लेस यहाँ पर बनाए। इस कॉर्डिनल सर्च के ऑपरेशन के दौरान हमने टोटल व्हीकल इम्प्रॉपर व्हीकल से इसके लिए फोकस किया। इसी के अंदर जो भी ऐसे व्हीकल है उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि RC, ड्राइविंग लाइसेंस, साथ में नंबर प्लेट और ओल्ड पेंडिंग चलन, ऐसे व्हीकल्स को हमने सीज किया। इसके अंदर टोटल 65 टू व्हीलर्स और 10 फोर व्हीलर यहाँ पर हमने सीज किया। और देखा जाए तो लास्ट टाइम 6 मंथ्स बैक ओवेसी नगर में यहाँ पर कॉर्डिनल सर्च ऑपरेशन हुआ था, उस कॉर्डिनल सर्च के ऑपरेशन के कंपैरिजन में इस बार मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपरली नंबर प्लेट्स है। लास्ट टाइम 90% लोगों के पास प्रॉपरली नंबर प्लेट्स भी नहीं थे। तो इसी के अंदर एक भैंसा टाउन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मैं चाहता हूँ सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करें। आज भैंसा अवेसी नगर में पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए वैक्सीनेशन देने का अमल लाया गया है और हम सुबह 6 बजे से आकर घर घर जो लोग वैक्सीन फर्स्ट डोज नहीं दिए, सेकंड डोज जिसका पेंडिंग है, वो लोगों को आइडेंटिफाई कर करीब करीब 236 लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया गया। पब्लिक का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा और अभी हमारा वर्क अभी वैक्सीनेशन हाउस टू हाउस चल रहा है। इंशाल्लाह हम आज तकरीबन लोगों को यहाँ पर देकर जो नहीं लिए हैं उसको वैक्सीनेशन 100% करने का हमारा इरादा है। तरह का प्रोग्राम हम जो अवेसी नगर में कम परसेंटेज होने की वजह से आज स्पेशल ड्राइव किए गए हैं और हम वार्ड वाइज जहाँ जहाँ भी कम परसेंटेज है वहाँ पर ऐसे भी हम लोग प्रोग्राम करके 100% अचीवमेंट करने की कोशिश करें। जॉइंट स्पेशल कॉर्डिनल सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, इसकी तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया ओवेसी नगर एरिया में। इसमें ऑलरेडी तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड हुआ है कि बिफोर डिसम्बर एंड कंपल्सरी 100% वैक्सीनेशन पूरे तेलंगाना स्टेट में होना चाहिए। उसी के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पिछले कुछ दिनों से एक जॉइंट ऑपरेशन चले जा रहे हैं, अगर हो मार्केट एरिया या बस स्टैंड एरिया में उसी हिसाब से